नमस्कार आरम सा, आप लोग मेटा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप ये प्लेटफॉर्म के माध्यम मेटा या आसपास की प्रतिभाएं हैं, हुनरबाज हैं, जो टैलेंटेड बच्चा बच्चे हैं, बेटा इंटरव्यू आप तक पहुंचने का प्रयास करें ताकि बाकी जो टैलेंटेड बच्चा है वह भी मोटिवेट हो और ड्रीम है पूरी कर सके। तो आज बाकी टीम पहुँची है मेटा रोड। मेटा रोड में तनिष जो है आगामी महीना डॉक्टर बनने वाला है और तनिष की स्टडी इकट्ठे हुई है, स्कूलिंग इकट्ठे हुई है और कंपटीशन की तैयारी इकट्ठे हुई है। पूरी जानकारी आपने वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो लगातार बढ़िया रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरे पेरेंट्स और बच्चा है जो पढ़ने वाला है और वह डॉक्टर या इंजीनियर बनने चाहे तो बेकर तो पढ़ाई करें और की पढ़ाई में पैटर्न का ये पूरी जानकारी आपने मिले। तो तनिष का पिताजी आप पढ़ सकते हैं, राम राम सका नाम आगे अनुज कुमार नाम जी। आपका जो बेटा है अब इस बार नीट में क्लियर हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है? कहाँ से स्कूलिंग हुई थी? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उसकी स्कूलिंग करता जब इंटरनेशनल मेटर से हुई, उसके बाद में उसको मेटर की न्यूज स्कूल में भेजा, वहाँ डेले पूरे करने के बाद वहीं से उसने नीट की तैयारी की और वहाँ बहुत अच्छी तैयारी हुई। सर नादामी सर के सहयोग से बहुत बड़ा गाइड हुआ और आज इस मुकाम पर। जैसे हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन उनकी मानसिकता ये रहती है कि पढ़ाई डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए कोटा या जयपुर जाना पड़ेगा। आपने कोटा जयपुर चूज नहीं करते हुए या मेरे समय कोचिंग करें, इसका क्या कारण था? मेरा इसमें स्पष्ट विचार है कि कोटा जैसे बड़े शहर में एक तो घर से दूर, वहाँ खाना पीना सबसे बड़ी भारी बढ़ती फीस वो बहुत भारी पड़ता है, वहाँ का घर से दूर रहना भी, तो बच्चे क्या प्रॉपर होमसिक हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है। और उससे बढ़िया कम फीस में कम बजट में अल्मोनिया मेटा सिटी में पढ़ाई हो रही है और जो सब कुछ वहाँ मिलता है वो यहाँ मिल रहा है, तो इसे मैं संभाल लीजिए। एक पेरेंट्स के लिए ये भी बात बड़े मायने रखती है कि इस तरह अभी अपन खबरों में सुनते हैं कि कोटा में कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, उन पर जो पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है, जो दिमाग पे जो दबाव होता है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये दुख होता है कि बच्चे को भेजने का इस माहौल में इस तरह की घटनाएं नहीं हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे सकते हो कि वहाँ पे इतना बड़ा चीज़ का माहौल है, कंपनी का माहौल है, तो लड़के डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको यही रहता है सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। फिर प्रॉपर घर से दूर रहते हैं तो उनको घर से गाइड नहीं मिलता है, तो लड़के फिर इसी में जाते हैं। बाकी जो पेरेंट्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी उनका भी बच्चा पढ़ने में होशियार है और वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहे, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो यही उनसे कहना है कि भाई जितना पॉसिबल हो सके आप मेटा सिटी बीटो स्कूल में जाओ, जो चीज़ आपको कोटा मिलती वो उससे आधी फीस में और घर के माहौल में यहाँ मिलती है और प्रॉपर कोचिंग होती है, प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है, हर चीज़ वो क्लियर होती है जो कोटा में होती है। बिल्कुल, ये थे तनिष के पिताजी जो बता रहे हैं कि उन्होंने कोटा जयपुर नहीं जाके मेड़ता में इस तरह का माहौल मिला, घर जैसा माहौल मिला, गुरुकुल जैसी या पढ़ाई का जो पैटर्न है वो बच्चे को और ज्यादा मोटिवेट और सबसे जोड़े में बड़ी योगदान निभाया है। अब हमारे साथ जुड़े हैं तनिष। तनिष आप सबसे पहले आपको बधाई हो कि आप फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो पढ़ाई का पैटर्न है किस प्रकार से आपको पढ़ाई? सर जो एन आर सर है वो सब एक एक बच्चे प्रॉपर अटेंशन देते थे, अगर कोई डिप्रेशन में होता था तो उन्हें प्रॉपर गाइड करते थे। अब कभी कई बार होता है कि पढ़ते पढ़ते हम डिमोरलाइज हो जाते हैं कि अब क्या होगा, जैसा एग्जाम पहुँचा ना लेते हैं तो सर प्रॉपर एक बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा, सब इजी है, पॉसिबल है, तो उस हिसाब से सब अच्छा होगा। बस ये भी सुना आपके बारे में कि आप जो है होम सिकनेस से मतलब घर से दूर रहने का आपने इससे पहले इस तरह की नहीं थी आपने, लेकिन यह मेड़ता में रहा तो आपको घर जैसा माहौल मिला या घर से दूर वाली फीलिंग? नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा कि घर पे ही हूँ और पास में होने की वजह से पापा मम्मी भी मिलने आ जाते थे कभी कभी, अगर कोटा वगैरह होते हैं तो वहाँ दूर आना घर जाना वापस पॉसिबल नहीं होता एक दो दिन में, तो यहाँ अच्छा लगता है सब। आपके कितने परसेंटाइज बढ़े थे और कौन सी कॉलेज आपको MBBS के लिए? 92.74 परसेंटाइज थे मेरे और मुझे GMC पाली मिला है। GMC पाली मिला। ये जो तनिष है वो डॉक्टर बनने वाला है, कैसा महसूस करी एक माँ? बहुत अच्छा महसूस कर रही है। आप खुद पेशे से एक टीचर है, तो आपने कैसे महसूस किया कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन सकता है, तो उसको आप MBBS की तैयारी या नीट की तैयारी करने के लिए कोचिंग डालना चाहिए? ये खुशी के जो आंसू है आप जी को देख रहे हैं कि एक माँ एक बेटे को डॉक्टर बनने की जो खुशी क्या है, बिल्कुल इनके
चेहरे पे बिल्कुल खुशी के आंसू है और ये सुखद आंसू है। तो ये कह सकते हैं कि माँ है सबसे ज्यादा खुश होती है उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो आपको बेटा है क्योंकि माँ के सबसे ज्यादा जो कलेजे का टुकड़ा होता है, तो मेड़ता में बिल्कुल अभी इस बारे में पड़ा है। तो कभी ऐसे जैसे कोटा जैसा माहौल इसमें कभी डर नहीं लगा कि मेरा बेटा मेरे से दूर है? इस वक्त जो तनिष्क के स्कूल जो प्रिंसिपल है हमारे साथ है, प्रिंसिपल जी सबसे पहले तो बधाई हो। आप सबसे ज्यादा माँ बाप से ज्यादा खुशी होती है उनके जो गुरु होते हैं टीचर होते हैं। तो आपका स्टूडेंट है जो स्कूली शिक्षा आपके यहाँ से ग्रहण हुई क्लब चावला, तो आप क्या कहना चाहिए, कैसी जर्नी रही है और पेरेंट्स को किस प्रकार से गाइड किया कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपसे जो चैनल चला रहे हो बच्चों को मोटिवेट करके, जो मेड़ता के आसपास एरिया की जो प्रतिभाएं आप निकाल रहे हो उनका मोटिवेशन कर रहे हो, इसके लिए मैं कल्पना चावला स्कूल परिवार की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तनिष्क शुरू से ही मना विद्यार्थी था और इसका मोटिवेशन तो हर गुरु अपने बच्चे के लिए करता ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही होनहार होते हैं और गुरु का उसके प्रति थोड़ा दिल ज़्यादा ही हो जाता है, और इन्होंने हमारी इच्छाएं पूरी की है। मैं तो यही कहूँगा कि इससे मोटिवेट होकर के बहुत सारे बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी लाइन सब में जाए, और तनिष्क का जो एक स्ट्रगल देखा हमने बहुत ही अच्छा देखा। जगह जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे आते थे, लेकिन नाथुराम जी का जो 20 वर्ष है, नाथुराम जी का एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, इनकी मोटिवेशन पावर जो है बहुत ही ज़्यादा है। इनका जो मोटिवेशन जब बच्चों को मिलता है तो मतलब हर पॉइंट पे ये थोड़ा सा गिरता है फिर उठा लेते हैं, और वैसे हमारा डिस्कशन खूब होता रहता था तनिष्क पे, और एग्जाम के पहले दिन से लेकर के पहले दिन तक हमारा मोटिवेशन रहा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा इस एरिया के जो भी स्टूडेंट हैं, हमारे स्कूल के तो बच्चे वहाँ जाते ही हैं, मैं खुद भेजता भी हूँ, लेकिन आसपास के और भी जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब आपके यहाँ इसी एरिया के अंदर कितना बड़ा सेटअप आपके पास अवेलेबल है, फिर आपको उनको बाहर जाने की काम जरूरत है। जब आपके पेरेंट्स के पास में आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हो, एक शुद्ध एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्योंकि मैं उसका खुद साक्षी हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी वहीं हैं, मेरे स्टूडेंट बहुत सारे वहीं पे पढ़ रहे हैं, तो मैं खुद देखता हूँ। हॉस्टल का एनवायरनमेंट ले लो, आप टीचिंग स्टाफ का एनवायरनमेंट ले लो, इनकी जो सबसे बढ़िया जो काउंटर क्लास लगती है, जो वही टीचर काउंटर क्लास में पढ़ाते हैं, जो क्लास वर्क के अंदर जो काम करते हैं क्लास के अंदर, वही काउंटर क्लास के अंदर करते हैं, बाकी ऐसा किसी भी कोचिंग के अंदर होता नहीं है। काउंटर क्लास के अंदर अलग फैकल्टी मिलती है आपको और क्लासरूम के अंदर अलग फैकल्टी मिलती है। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टूडेंट भीड़ के अंदर जाकर के भूल जाता है, पता नहीं चल पाता है, और फिर उनको वास्तविकता ज्ञान होता है। तो ऐसे देखा जाए तो मैं ऑल ओवर यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें यहाँ मिल रही है वो कहीं नहीं मिलेगी। मेरा खुद का भतीज है, वो शुरू से मेरे पास ही पढ़ा हुआ, मेरी स्कूल से ही पढ़ा हुआ है, और वो आज SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर MBBS कर रहा है, उसका थर्ड ईयर है, वो भी हमारे यहीं से ही निकला हुआ है। तो मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा कि जब आपके पास में ये चीज़ मिल रही है तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप एक तो बिल्कुल ही कोई हिचकिचाहट नहीं है आपके अंदर, और कोई भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वैसे मेरे स्कूल के स्टूडेंट की नहीं, बाकी सब के लिए नाथुराम जी का बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है। तो धन्यवाद। तो इस तरह की वीडियो सीरीज आपके सामने लाने का एकमात्र उद्देश्य, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही संस्था है, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो मेड़ता जैसे क्षेत्र में इस तरह का इंस्टीट्यूट जिसकी कल्पना कोटा जयपुर में की जाती थी, वही इंस्टीट्यूट इस प्रकार का यहाँ इस प्रकार 30 बच्चे इस बार नीट 2022 में बैठे, उसमें से करीब 6 बच्चों का MBBS और BDS में सिलेक्शन हुआ, अपने आप एक बड़ा कह सकते हैं आंकड़ा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें ताकि सारे जो पेरेंट्स और बच्चे हैं वहां तक ये संदेश पहुंचे। जय जवान, जय किसान।